कहते हैं कि आप ही अगर ये कहते हैं कि इनका उद्धार नहीं हो सकता तो इस संसार में किसके पास जाकर पूछूं कि इनका इनसे इन दुष्ट से इन दुष्टों से रक्षण हो, क्या करूं। तब उन्होंने कहा हम सब जिस भगवती की पूजा करते तुम उस भगवती से प्रार्थना करो। तो वे भगवती से प्रार्थना करने लगे और भगवती को कहा माँ ये मेरे दो बच्चों को सुधारो, ये राक्षसों से भी बदतर है, माँ को माने के थे, माँ का गला काट देते हैं, माँ से संभोग करने के इस लायक इतने उस बात को नहीं करना चाहिए, इतने खराब बच्चे हैं मेरे, ये संसार में जीने के लायक नहीं है, तो आप कुछ तो करो। और उन्होंने माता भगवती को कहा माँ आज एक रात का समय देता हूँ, वो कल सुधरते हैं तो अगर आश्वासन देती कि अच्छे होंगे तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो मैं मेरा गला काट कर मैं ही मर जाऊंगा, जैसा करना जैसा होना है वैसा। वो उम्रकंड महर्षि रो रहे थे। तब दूसरे दिन देखते क्या है कि सुबह सूर्य उगने से पहले ही पूरा अंधेरा छाया हुआ है, घोर से गर्जना हो रही है, काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है काले बादल का एक आकार इस उम्रकंड महर्षि के पास आ रहा है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा लाल लाल आंखों वाले जीव बाहर निकाले हुए एक आकार आ रहा है। उन्होंने देखा कि यह भूत है, प्रेत है, क्या है, ये मेरे सामने आ रहा है, आप कौन हो चिल्लाने लगे। तो उन्होंने जोर अट्टहास करके कहा हे मृकंड तूने कल मुझे प्रार्थना की थी, तूने कहा था कि मैं कौन हूँ, मैं मेरा नाम वो है, तू देख जिस महाकाल ने कुंडली लगाकर तेरे बच्चों को जिस मुहूर्त पे पैदा किया था उस मुहूर्त को भी खत्म करने वाली मैं महाकाली हूँ, तेरे वो महाकाल मेरे पांव के नीचे, जब तक मैं उनके साथ हूँ मैं काली हूँ, मैं जब तक उनके साथ हूँ मैं वो शिव है, और मैं जब से उनसे छूट गई वो शव है, इसलिए मैं कहती हूँ मैं महाकाली हूँ, मैं हर एक की कुंडली बदल सकती हूँ, उसके कुंडली में कितनी दरिद्रता कितना दुर्भाग्य हो उसको बदलने की शक्ति मैं रखती हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं निशा काली हूँ, मैं वो काली हूँ जिसको बदलने की शक्ति है मेरे पास। तो हम उस काली को उस काली के उस तत्व को हम नहीं जानते, इसलिए स्वयंभू होने से लेकर आज तक भी जितने भी ऋषि मुनि हुए वो पहले उस निशाकाली की आराधना करें। सिद्धाश्रम में भी गुरु जी कहते हैं अपने पुस्तक में लिखा है ये निशाकाली साधना आज तक किसी को बताई नहीं थी। अगर मैं आपको गुरुतंत्र आपके पास है गुरु रहस्य सिद्धि नाम का एक गुरु जी का बहुत पुराना डायरी में लिखा हुआ पुस्तक है, उसमें इस निशाकाली की साधना दी है। मैंने आज इसीलिए आपके पास कहा कि आपको भी दुर्भाग्य कभी आपके साथ ना रहे, आप कभी असमर्थ ना रहे, आप इस एक साधना को एक दिन केवल एक दिन की साधना है जिस मूल में यानी मिट्टी की मूर्ति की काली को आपके सामने रखकर एक दिन की साधना निष्ठा के साथ करोगे और दूसरे दिन सुबह होते होते उस काली को किसी पानी में विसर्जित करोगे तो आपको काली कवच बन के आपके साथ रहेगी और आपके आपके जीवन में कभी कोई शत्रु आपके ऊपर आधार आपके ऊपर कोई आह्वान होकर आपके पास नहीं कर। आज हम देख रहे हैं हमारे भारत में बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा धर्म सनातन धर्म के ऊपर आघात हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकने की भी है, उनके हाथ में आयुध है, उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में सब कुछ है और हम हाथ जोड़ के खड़े हैं। हमें रक्षा कर सकती है तो केवल साधना रक्षा कर सकती है और ऐसी साधना जो अलौकिक साधना जो तुम्हें उनके पत्थर आने से पत्थर वहां रुक जाए, वो आने से पहले वो शस्त्र उनका रुक जाए, हम उस चीज को हम आज लेकर खड़े रह सकने की शक्ति हमारे में हो तो हम उस निशाकाली की साधना करें। हम उस सप्तशती दुर्गा सप्तशती को करने से पहले कोई भी व्यक्ति हो जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो एक बार उनके जीवन को देख लो, अगर ये निशाकाली के बिना साधना किए उस मृणमय मूर्ति के अपने घर में एक दिन की साधना नहीं संपन्न करता। कहते हैं कोई चतुर्दशी कोई अष्टमी कोई नवमी या नवरात्रि काल में किसी एक रात्रि को ये साधना संपन्न करें, इसे निशाकाली कहा गया है और उसके बाद वो किसी देवी की भी साधना संपन्न करें वो देवी उसको सिद्ध होती ही है। और यह निशाकाली की साधना इस संसार में सामर्थ्यवान करने के लिए कहा गया है। इसी तरह आपको पता है कि रामकृष्ण परमहंस अपने घर में 5 साल के एक छोटे से बालक थे और उस समय में बहुत बचपन में ही शादियां हो करती थी, 5 साल के बच्चे थे और जो जैसे पढ़ने लगे तो पिता ने वगैरह कहा कि तू कुछ पढ़ ले लिख ले, तो उनको पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ाई नहीं करते थे। ऐसा हुआ कि ऐसा वैसा जाकर उनके 10 या 12 साल में उनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद उनको तो अपना घर चलाना था तो सभी लोगों ने कहा, उनके मामा एक थे, उन मामा ने कहा ये कहीं भी काम नहीं करते हैं करने आता, इसको कहीं नौकरी को लगा लेता हूँ, हमारे महासती रानी रासमणी देवी के पास काली देवी का मंदिर है उसमें पुजारी की तरह लगता हूँ, पुजारी के लिए पूजा के मंत्र भी बोलने नहीं आते, अब इसको कैसा करना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस को सभी लोग उस बचपन में कहते तू बेकार है, तू कुछ काम का नहीं है, पत्नी को नहीं चला सकता, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, तुझे विद्या नहीं आती, ये बातों को सहन नहीं कर सके। और जब उन्हें उस
रसमणी देवी के काली मंदिर कलकत्ता लेके गया तो काली के पास बैठकर रोज रोया करते थे, माँ ये क्या है मेरे जीवन में, ये मेरे जीवन को किस तरह सुधारे, मेरे को यश कीर्ति नहीं, कोई पैसा कमाने का ज्ञान नहीं, पत्नी को जीने का ज्ञान नहीं, और ना किसी को मैं कोई कुछ दे सकता हूँ। तू जो भगवती है, तू तो जगन माता कहते जगदम्बा कहलाई जाती है, मैं तेरी शरण में आया हूँ, कुछ ना कुछ मेरे लिए करो। उनके उस भक्ति में प्रार्थना को देखकर एक दिन अनंत भैरवी नाम की भैरवी आई और उन्होंने कहा कि हे रामकृष्ण परमहंस, हे रामकृष्ण परमहंस नहीं बने थे रामकृष्ण, तुम जो कहते हो मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक साधना है, वो अभी सिद्धाश्रम की योगिनी थी, वो आई और उन्होंने रामकृष्ण जी से वही निशाकाली की साधना करवाई। वो निशाकाली की साधना वो वट वृक्ष के नीचे गंगा के तीर पर उन्होंने किया था। ये जितने भी मैंने आजकल स्वयंभू मनु के बारे में आपको कहा था, वो या तो किसी कुंड के पास या तो यमुना नदी के किनारे, पहले से जितने भी स्वयंभू मनु दो है दोनों भी यमुना नदी के किनारे के, एक ने गंगा नदी के किनारे साधना की, वो ह्रीम का मंत्र था, पहले वाको भीज अहिम का मंत्र था और क्लीम नर्मदा नदी के किनारे मंत्र इन ऋषियों ने किया था। उसी प्रकार जहाँ जल हो उसके सामने काली को काली की स्थापना कर एक रात्रि हम मंत्र करता है, कहते हैं कि उसे उसके जीवन में कभी दुख भुगना नहीं पड़ता, वो कभी असमर्थ नहीं कहलाता। आपने उस निशाकाली साधना करने के बाद रामकृष्ण परमहंस हो गए और परमहंस होने के बाद उनके जीव पर स्वामी तैलंग स्वामी ने बीजाक्षर का सरस्वती मंत्र लिखा था। कभी रामकृष्ण परमहंस ने या तो कभी सप्तचंडी या नवचंडी या कोई चंडी सप्तशती का पाठ नहीं किया, केवल उस निशाकाली के एक मंत्र से रोज काली को भोजन करवा सकते थे, रोज भोजन काली के साथ बात करते थे। और जब शारदा माता ने कहा कि प्रभु हम दोनों की शादी हो गई है, हमें एक कोई ना कोई बच्चा तो संतान तो होनी चाहिए, आप देखो, तो उन्होंने कहा मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं है, तो कहते हैं कि जाकर यही बात माता काली से बता दे कि तुझे माँ कहने वाले कोई नहीं है। शारदा माता गई और पति के कहने पर माँ काली के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर लेने लगी, माँ मुझे माँ कहने वाले तो कोई हो, मुझे माँ बना, मुझे माँ कहने वाले। तो हंसकर माता काली ने कहा तुझे हजारों पुत्र माँ कहने वाले होंगे, और उनको शारदा माँ माँ कहकर सबसे पुकारने लगे। ऐसे इन कितने पुत्रों को उन्होंने प्रदान किया कि वह जीवन भर आज भी उनको माता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के गद्दी के नीचे कोई दक्षिणा रहता था तो उछल के कूद जाते थे और पैसों के पीछे नहीं जाते थे। लेकिन अगर आप आज देखते हैं कि वो अष्टमा सिद्धि वाले वो महात्मा वो पुरुष आज हर एक स्टेट में हर एक राष्ट्र में रामकृष्ण मठ है और वो भी ऐश्वर्यवान है, वो भी सिद्ध है। अष्टमा सिद्धियों को लेकर चलने वाले रामकृष्ण परमहंस उसी निशाकाली साधना को उन्होंने संपन्न अपने जीवन में किया था। वो साधना जो मैंने भी संपन्न की है प्रभु कृपा से, मैं आपको कहता हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको बार बार कहता हूँ मैं आपको असमर्थ देखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप अभी एक से हजार बने और हमारे गुरु का नाम संसार में लेकर चले, कहे कि हम भी वो लोग हैं, हम उन लोगों को साथ में लेकर चलते हैं जो असमर्थता से नहीं जीते। आज समाज को एक ऐसे महत्व पुरुष और अलौकिक सिद्धि वाले पुरुष की जरूरत है जो हमारे सनातन धर्म को जिंदा रख सकता है, और मैं केवल और केवल कहता हूँ साधक ही है, डॉक्टर नारायण सिंह जी के शिष्य ही इस काम को कर सकते हैं जो साधना में करते हैं। बाकी सब लोग यूं ही मर जाएंगे, कोई गन के हाथ से कोई उससे किससे मर जाएगा, लेकिन जो साधना तत्पर मनुष्य है वो कभी नहीं मरेगा और उसके सामने माँ काली खड़े रहकर कहेगी अगर वो साधक है और वो साधना करता है। साधक ही इस पूरे भारत को सनातन धर्म को बचा सकने की क्षमता रखते हैं। आपको आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं कि इस साधना को संपन्न करो, सामर्थ्यवान बनो और आप कोई भी चंडी हवन कोई भी दुर्गा शक्ति करने से पहले इस साधना को संपन्न अपने जीवन में करो और आप ऐश्वर्यमान बनो और अष्टमा सिद्धियां आपके साथ हो। माता भगवती ने पहले ये साधना संपन्न करवाई थी, उसके बाद मार्कंडेय ऋषि ने इन तीनों मनुओं को लेकर उस सुरथ नाम के राजा को यह साधना संपन्न करवाई थी जिसमें नवारण मंत्र दिया था। बाद में इस सुमेधा ऋषि के सुरथ नाम के राजा के साथ जो घटनाएं घटी, जो घटनाएं बाद में जिस प्रकार देवी ने अवतार लिया, उन अवतारों को मार्कंडेय महर्षि ने उस ऋषि को जो एक समाधि नाम का वैश्य था उसको इस बात को बताया और कहा कि ये कहानियां हैं, इस नवाना मंत्र करने के कारण ये स्थितियां बनती है ये कहा। उसके बाद उन्होंने कहा अपने उन्होंने माता भगवती से प्रार्थना करके कहा कि माँ यह जो चरित्र कौन पढ़ता है और उसका जो हवन करता है उसको आप वो सब सिद्धियां दो, लेकिन जो करवाता है जो इस चंडी का पाठ करवाता है चंडी का पाठ करता है या हवन करता है उसको निश्चित रूप से उससे श्रेष्ठ होना जरूरी है, जो सुमेधा नाम के ऋषि मुनि ने कहा था, उसके पहले स्वयंभू मनु ने कहा था, उसके बाद
जितने भी मनु हुए उन लोगों ने ये साधना संपन्न की थी। वो साधना एक ही दिन की साधना है, माता काली के सामने दीपक लगाकर जो काले वस्त्र या नीले वस्त्र पहनकर माता काली के सामने एक रात्रि में अपने गुरु के सामने किसी जल के कुंड के पास, आप यमुना नदी तो नहीं जा सकते, नर्मदा नदी जाए नहीं जा, गंगा नदी जाए नहीं जा सकते, आपके लिए प्रभु स्वयं ने निखिल कुंड, यहाँ निखिल जल से भरा हुआ कुंड रखा हुआ है। आप अगर इस निशा काली की साधना उसके सामने संपन्न करते हैं और उस काली माता को जल में सुबह होते होते विसर्जित कर देते हैं तो आप निश्चित रूप से याद रखो, मैं फिर तुम्हारे मुख पर वो म्लान चेहरा, वो दुखी चेहरा नहीं देखूंगा, आनंदमय वो चेहरा देखूंगा जो जो तुम चाहते हो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसी वो निशा काली साधना। मैं ये साधना के बारे में क्यों कह रहा था कि मैं बहुत टटोलने के बाद मैंने इस बार गुरु जी की वो डायरी, वो गुप्त सिद्धियां जो गुरु जी ने लिखी है, उस पुस्तक को मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ कर निकाला और उसमें ये साधना को देखा और कहा कि जरूर आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी की रात्रि में अगर गुरु के समक्ष इस साधना को, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा है, छोटा मंत्र दो ही चार अक्षरों वाला मंत्र है, अगर इस मंत्र को कोई करते हैं उस निशा काली के सामने तो वह सामर्थ्यवान जिंदगी जिएगा, उसके जीवन में असमर्थता नहीं होगी। और यह साधना आपको प्रत्यक्षीकरण के लिए इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सुबह कहा था, सुबह ये कहा था कि तुम जिस गुरु मंत्र को आज कर रहे हो, तुम्हारे गुरु में देवी देवताओं को का वास अगर है, तुम देखकर इस काली की साधना करो और एक बार तुम्हारे इस काली के मंत्र को बोलते गुरु के चरणों को झुक जाओ, अगर तुम्हें काली का दर्शन हुआ तो मैं जो कहा वो सत्य है, नहीं तो सत्य असत्य। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उस साधना को आप संपन्न करके देखो कि आपके जीवन में ये होता है या नहीं होता है। उस निशा काली साधना को संपन्न करवाने के लिए मैं आपको वही 20 मिनट का समय देता हूँ, काली के विग्रह के साथ आप आइए जो ये साधना करना चाहते हैं, आज चतुर्दशी है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि साधना संपन्न करेंगे।